दल इस दल को प्रतिबंधित कर दिया और असम को समस्याग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया। नई दिल्ली के दबाव के कारण भूटान ने अपने क्षेत्र से अल्फा उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए एक विस्तृत अभियान चलाया। भारतीय सेना की मदद से भूटान ने सीमित हानि के साथ 1000 से ज्यादा उग्रवादियों को मार गिराया और कईयों को भारत को सौंप दिया। भारतीय सेना ने अल्फा के आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए कई सफल अभियान चलाए। इसके बावजूद इस क्षेत्र में अभी भी अल्फा सक्रिय है। 2004 में अल्फा ने असम में एक पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला करके 19 बच्चे और 5 नागरिकों को मार डाला। 14 मार्च 2011 को रंजन डायमरी के आतंकी संगठन ने बीएसएफ के गश्मी दल पर असम के चिरांग जिले के बुलाना डोबा और कोकाराझाटा के अत्याधुनिक रास्ते में हमला कर दिया, जिसमें यहाँ पर जवान मारे गए थे, 8 जवान मारे गए थे। हाल ही में परेश बरुआ अल्फा नेता का बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया और न्यायालय द्वारा वहां उसे मृत्युदंड दिया गया। विगत में ऊपरी आसाम यानी तिनसुखिया और डिब्रूगढ़ तथा अरुणाचल प्रदेश में माओवाद की नई भर्ती, प्रशिक्षण और धन हटने की गतिविधियों में लिप्त है। केंद्र सरकार ने राज्यों में बोंडा की विशेष प्रशासनिक सहायता दी है। हालांकि बोंडो ने एक अलग बोडोलैंड की मांग की है, जिसके कारण बंगाल बोंडो और भारतीय सेना के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि बोडोलैंड मामला क्या है और एनडीएफबी क्या है।